हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिया नागर ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, यहाँ पे मैं कर रही हूँ आज शाम से स्टार्ट वीडियोस, क्योंकि मैं बना रही थी आज यहाँ पे खजूर के लड्डू, जो कि बहुत ही हेल्थी और शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। ये है खजूर, पिंड खजूर, इनकी मैंने वो निकाल ली है गुठली, और इसको मैं थोड़े से घी में घी में इसको मैं अच्छे से डाल कर इसको कर लूँगी। आप देखते रहिएगा इस किस तरीके से मैं बना रही हूँ इसको। तो ये बहुत ही होता है, इसे कमर में दर्द हो, कमजोरी हो, बहुत ज़्यादा कमजोरी होती है जिसको, वो ये खा सकता है दूध के साथ। ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा होता है ये हेल्थी। तो देख सकते हैं हम गाइस किस तरीके से मैं बना रही हूँ। सारे मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिया है यहाँ पर। आप भी कोई भी आपके साथ कोई भी ड्राई फ्रूट्स, आप किसी की भी ड्राई फ्रूट्स के साथ बना सकते हैं आप, जो भी आपके पास हो। तो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, तो ये हो चुका है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ किस तरीके से बन चुका है ये ऐसे। तो मैंने ये बना लिए छोटे छोटे लड्डू। तो गाइस मैंने ये थोड़ा ही बना कर ट्राई करे अभी, देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छे बने हैं, खाने में बहुत ही स्वाद है। तो मैंने यहाँ पे रख दिए। मैं तो इसलिए बनाया क्योंकि जब मैं वर्त होता है तो मैं ज़्यादा कुछ खाती नहीं हूँ, तो मैं एक ही लड्डू खा लूँगी, बहुत ही हेल्थी होता है और भूख भी नहीं लगती है। और ये जो मैंने चूरा सा बच गया था इसका लास्ट में, वो भी मैंने एक करके रख दिया है, क्योंकि इसमें को मैं दूध में डाल के बच्चों को, किसी को भी एक चम्मच दूध में डाल के पी सकते हैं इसको। तो वैसे बहुत हेलो राधे राधे जी सबको, वेलकम टू प्रिया नागर ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस मैं भी अच्छी नहीं हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है और घर में दोनों बच्चों की तबीयत ख़राब है। और मैंने कर ली है पूजा, आज है श्राद्ध माँ जी की और बाबा की दोनों की श्राद्ध है आज। और इनको हो रहा है बहुत तेज़ बुखार, टाइफाइड, डेंगू, प्लेट कम हो चुकी है इसकी। रात इसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसको रात हॉस्पिटल भी लेके गए थे गाइस हम, और इंजेक्शन लगा दिया वहाँ से। थोड़ी देर के लिए आराम मिला, फिर नहीं मिला इसका आराम, और फिर इसको दोबारा से हॉस्पिटल लेके जाएंगे। देखो ना पेट में दर्द हो रहा है, अभी हो रहा है कैसा हो रहा है, मुँह पर सूजन भी आ रही है, दवाई रखी है, सब कुछ कर रहे हैं, दवाई भी चल रही है इसकी बहुत ज़्यादा। पापा ले आए इसके लिए बकरी का दूध लेकर। तो गाइस बच्चों का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं बच्चों की तबीयत खराब। तो गाइस कर दे इस वीडियो को कंटिन्यू, फिर उसकी तबीयत खराब हो रही है, इसको लेकर जाएंगे डॉक्टर को दोबारा। बच्चों का ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब चल रही है बच्चों की। तो गाइस यहाँ पे बना रही हूँ मैं हरी मूंग दाल, क्योंकि ध्यान कुंज के लिए उसकी हो रही थी तबीयत ख़राब, बुखार हो रहा है उसको, टाइफाइड वो डेंगू, तो उसके लिए दाल बना रहे हैं यहाँ पर। और ये बनाई है मैंने सब्जी। अब बना रही हूँ मैं यहाँ पर रोटी। तो वैसे यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटी। तो गाइस जैसे क्या श्राद्ध है, तो मैंने बना ली यहाँ पे खीर, और खीर बना ली यहाँ पे मैंने, कर लिया है आटा तैयार। और अब मैं बनाऊँगी यहाँ पे फटाफट से रोटियाँ, तो मैं बना रही हूँ यहाँ, और इसमें बनाऊँगी सब्जी थोड़ी सी। तो गाइस देख सकते हैं आप, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो मैं बना लेती हूँ यहाँ पर फटाफट से रोटी, तो श्राद्ध निकालनी है बाबा की, होते निकालनी है, तो मैं बना लेती हूँ यहाँ पर फटाफट रोटी। नारियल पानी है अभी कुंज के लिए आया था, इसको रख देती हूँ मैं फ्रिज में।
तो मैं यहाँ पे फटाफट से बना देती हूँ रोटियाँ। तो मैं यहाँ पे दो दो रोटी एक साथ सेक लूँगी। पहले बनाई थी मैंने गाय की रोटी और निकाली थी एक लोई गाय के लिए, फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी यहाँ पे दो दो रोटी एक साथ डाल लूँगी। आप देख सकते हैं गाइस छोटी छोटी रोटी बनती है, तो दो दो रोटी एक साथ सेक लेती हूँ मैं। तो गाइस देख सकते हैं मैंने किस तरीके से दो दो रोटी एक साथ सेक ली है और फटाफट से तैयार हो चुकी है। छोटी छोटी रोटी बनती है गाइस रात में, तो आपको सभी को पता है। तो मैंने ये बना ली है रोटी छोटे छोटे, दो चार रोटी एक साथ सेक ली है। ऐसे क्या होता है जल्दी जल्दी काम हो जाता है। गाइस मैं आ चुकी हूँ मंदिर से होकर और मेरे बहुत सिर में दर्द हो रहा है। बच्चे तरफ से गाइस बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो जाता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं तो खुद तो खुद हम खुद ही बीमार अपने आप ही हो जाते हैं। देख सकते हैं दिखाना मुझे तो थोड़ा आराम है, रात को तो इनको इतना क्या होता है, रात को तो बहुत ज़्यादा बुखार चल जाता है इनको। सिर पर पट्टी रखते रखते सिर पर पट्टी रखनी पड़ती है। और ये कुछ खा पी भी नहीं रहे हैं गाइस। तो अभी मैंने इसको खिलाया है बकरी का दूध, तो दूध बताते हैं बकरी का दूध सही रहता है, प्लेट कम हो जाती है तो उसकी हो गई प्लेट कम 50-50 प्लेट कम होती है। खिला रही बकरी का दूध प्यार से इसको भी, और हमने इसको देंगे दवाई हमने गाइस का ले लिया मिलेगा दवाई लो पहले दवाई फिर फोन मिलेगा। जो फोन लेगा ना बताओ, जो दवाई लेगा उसी को फोन मिलेगा। दवाई लेगा ना नहीं दर्द हो रहा मुझे बता, कहाँ हो रहा तेरे दर्द, कहाँ दर्द हो रहा पेट में हैं? बता कहाँ दर्द हो रहा दवाई। प्लेट बढ़ाने वाली दवाई पहले इसको दे देती हूँ उसको, चल मैं दवाई ले दवाई ले। ठंड लग रही तो मैं कपड़े अभी कपड़े उठा दूंगी, पंखा बंद कर दूंगी, ठीक है। दवाई नहीं लेगा तो कैसे ठीक होएगा फिर? अब पेट में दर्द आ रहा है, आराम है दर्द में पेट में नहीं है अभी आराम। चल अभी डॉक्टर का अभी 10 बजे दुकान खुलेगी ना डॉक्टर की, तब लेकर चलूंगी। अब 10 बजे डॉक्टर आ जाएगा तो फिर पास ले जाएंगे। रात को हॉस्पिटल लेके गए थे, इंजेक्शन लगा दिया, आराम मिल गया था। रात को थोड़ा सा फिर क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है पेट में, क्या हो रहा है बहुत अच्छा क्या है। बच्चों का ध्यान रखो बहुत ज़्यादा, आराम से खा करें, 2 से 3 दिन बुखार हो जाता है तो तुरंत खून टेस्ट करवाए। टाइफाइड डेंगू ज़्यादा हो जाता है, प्लेट कम हो जाती है, बच्चों की हालत खुल हो रही है, पेपर भी चल रहे हैं इसका पेपर। मैडम से बड़ी रिक्वेस्ट करी है आज मैंने कि इसका पेपर ओरल वाले दिन ले लेना, किसी भी ओरल का पेपर होगा ना उस दिन ले लेना। बड़ी रिक्वेस्ट की है मैंने, 2 पेपर तो उसको दिया थे मैंने, जैसे भी इसके साथ ले जा करें वापस में दिया करें इसको। तो अब नहीं इसको बिल्कुल दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, नहीं बैठा जा रहा है इसमें, तो इसका पेपर मैंने शुरुआत दिया है आज का। आप देखो
अगर तबीयत सही हो जाएगी तो देगा कंटिन्यू, नहीं तो फिर देखते हैं कैसे करते हैं गाइस। तो गाइस बच्चों को देखकर तो हमारी खुद ही तबीयत ख़राब हो रही है, मेरी तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, तो मैं इसको दे देती हूँ, मैं दवाई चलती हूँ ना दवाई लेना, ठीक है। करते हैं वीडियो कंटिन्यू और बने रहे उनके साथ। मन तो नहीं कर रहा था पर मैंने बनाई है, इसलिए बनाई थी गाइस वीडियो बताने के लिए कि बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, तो आप भी अपने बच्चों का ध्यान रखिए। अगर किसी को बुखार आए तो तुरंत खून टेस्ट करवाएं, क्योंकि आराम से बुखार नहीं उतर रहा है, बहुत ज़्यादा बुखार चल रहा है। ये दो तीन मैंने केस सुन लिए है, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है बुखार हमारे परिवारों में, रिश्तेदारी में बहुत ज़्यादा बच्चे बीमार है, तबीयत ख़राब है बच्चों की। तो गाइस अपने बच्चों का ध्यान रखें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।